हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कल तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा हो वो हमारे पिछले लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। तो हमने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसमें कि हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, पदानुक्रम, संगठन, लाइन एंड स्टाफ और जितने भी टॉपिक थे, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आज से हमारा ये तीसरा शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के टॉपिक के जो पांच सब पार्ट्स थे उसमें से तीसरा टॉपिक कार्मिक प्रशासन, जिसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक भर्ती रिक्रूटमेंट, दूसरा है प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तीसरा है पदोन्नति प्रमोशन, चौथा है वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस, और पांचवा टॉपिक है संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। ये पांच टॉपिक हमें कार्मिक प्रशासन में देखने हैं। हम इनको 4 से 5 लेक्चर्स में जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। फिर हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बाकी रहेंगे, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। कार्मिक प्रशासन के इन पांचों टॉपिक्स को भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन और सेवा शर्तें और संघ और प्रबंधन संबंध, इन सबको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है आधुनिक राज्य में। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है कार्मिक प्रशासन का, और इसमें हम सिर्फ कार्मिक प्रशासन की शब्दावली और इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ एक्चुअल में क्या है, हम इसको ही समझेंगे। उसके बाद ही हम भर्ती और इसके सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कार्मिक प्रशासन। ये लोक प्रशासन का ही एक साइड है कार्मिक प्रशासन। हरमन फाइनर का कथन है कि लोक प्रशासन का संप्रभु कारक कर्मचारी है। अब कार्मिक प्रशासन को जनशक्ति प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, श्रम कल्याण प्रबंधन इत्यादि भी कहते हैं। परंतु कार्मिक प्रशासन शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है। इसका सरोकार सरकार में कार्मिकों या कर्मचारियों के वर्गीकरण, भर्ती प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, अनुशासन और सेवानिवृत्ति सुविधाओं से है। लोक सेवा का अर्थ निम्नलिखित वक्तव्यों से स्पष्ट होता है। लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, यानी कि जो सार्वजनिक सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और भी सेंट्रल सर्विसेज। ब्रिटिश टामलिन आयोग 1929 से 1931। लोक सेवा के अंतर्गत राजशाही के वे सेवक आते हैं, राजनीति या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त, जिनको नागरिक यानी कि असैनिक पद पर सेवा में रखा जाता है और जिनके वेतन का भुगतान पूर्णतया और प्रत्यक्ष तौर पर संसद द्वारा स्वीकृत धन से किया जाता है। हरमन फाइनर के अनुसार लोक सेवा स्थायी, वेतनिक तथा कार्य कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। हरमन फाइनर क्या कहते हैं कि पब्लिक सर्विस जो है वह एक परमानेंट और सैलरी बेस्ड और कार्य कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। ईएन ग्लेडन के अनुसार लोक सेवा से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्षता से चयनित, प्रशासनिक रूप से कार्य सक्षम, राजनीतिक तौर पर तटस्थ और समाज के प्रति सेवा की भावना से ओतप्रोत हो। अब लोक सेवा की विशेषताएं क्या है? इसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसमें सैनिक, न्यायिक और पुलिस सेवाओं के लोग शामिल नहीं होते। इसमें वे लोग शामिल नहीं होते हैं जो राजनीतिक पदों पर या राज्य के लिए अवैतनिक पद पर काम करते हैं, जैसे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या गवर्नर्स, इनको लोक सेवक में नहीं रखा जाता है। लोक सेवक के अंतर्गत ये अव्यावसायिक राजनीतिज्ञों के विपरीत व्यावसायिक प्रशासकों की संस्था है। आगे देखते हैं इसका चौथा गुण क्या है। निष्पक्ष चयन, अर्थात इसके सदस्यों का चयन पार्टी के आधार पर निर्वाचित होने वाले राजनीतिज्ञों के विपरीत खुली प्रतियोगिता के द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस तरह पॉलिटिशियंस का चयन होता है वोटिंग सिस्टम से, उस तरह इनका चयन ना होकर एक ओपन कंपटीशन के आधार पर इनका चयन किया जाता है। इनको नियमित रूप से राज्य द्वारा भुगतान किया जाता है। लोक सेवा में रहते हुए लोक सेवकों को निजी लाभ का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता। इसके सदस्य सार्वजनिक सेवा को जीवन भर के करियर के तौर पर लेते हैं, अतः ये करियर सेवा है। यानी कि ये करियर सेवा भी है और साथ ही इसमें पद पर रहते हुए आईएएस आईपीएस किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते, प्राइवेट बिजनेस। सेवंथ, लगातार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के कारण ये अपने व्यवसाय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस अर्थ में इसके सदस्य कार्य कुशल होते हैं। अगला है, ये श्रेणी क्रम सिद्धांत के आधार पर संगठित होती है, जिसमें आदेश निचले पद से सबसे ऊपर की ओर पिरामिड की तरह एक कड़ी में फैलते हैं। तटस्थता, अर्थात इसके सदस्य, ये तटस्थता का इसका एक
फंक्शन है। इसके सदस्य अलग अलग राजनीतिक सरकारों का कार्य तटस्थता पूर्वक करते हैं, किसी के फेवर में या किसी की तरफ टिल्टेड नहीं होते हैं, किसी की तरफ किसी एक पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं होना चाहिए। अनामिकता अर्थात लोक सेवक बिना किसी प्रशंसा या निंदा के काम करती है। अगला, विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका। लोक सेवक सेवा से हमारा यहाँ आशय कार्मिक प्रशासन से ही है। कार्मिक प्रशासन जो हमारा टॉपिक है, भारत जैसे विकासशील समाजों में लोक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके निम्नलिखित कार्यकलाप हैं, एक नीति कार्यान्वयन यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा तय की हुई नीतियों का कार्यान्वयन लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कार्य है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों अर्थात सामाजिक समानता, आर्थिक विकास इत्यादि भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं, यानी कि इस तरह की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना के राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, राज्य के नीति निदेशक तक पूरे हो सके। अगला है नीति निरूपण, पॉलिसी फ्रेमिंग। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है नीति निरूपण और नीति निर्धारण, लेकिन इसमें लोक सेवकों की भूमिका सक्रिय होने लगी है। नीति निर्माण में सूचना उपलब्ध कराकर वे मंत्रियों की सहायता करते हैं तथा उनको सलाह देते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका गैर पेशेवर होती है, नॉन प्रोफेशनल होती है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, अतः वे नीतियों की जटिलताओं को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको पेशेवर लोक सेवकों की विशेषज्ञ सलाह पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करते वक्त जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज होती है, उनकी सलाह पर डिपेंडेंट होते हैं। पब्लिक सर्विसेज की सलाह पर, सर्वेंट की सलाह पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण, इस अर्ध विधायी कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। समय की कमी, काम के दबाव और विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण विधायिका कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और इसके विवरण तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इस प्रकार विधायिका द्वारा अधिनियमित मूल कानून की सीमा में उपकानून, नियमों एवं विनियमों के निर्माण का कार्य लोक सेवक करते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण को कार्यकारी विधि निर्माण या अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहा जाता है। प्रशासनिक अधिनिर्णय, इस अर्ध न्यायिक कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा लोक सेवक करते हैं। इस कार्य के लिए न्यायाधीश लोक सेवकों के साथ प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार में आयकर अपील प्राधिकरण, औद्योगिक प्राधिकरण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, किराया अधिकरण और रेलवे दर अधिकरण इत्यादि ऐसे अधिकरणों के कुछ उदाहरण हैं। ये अधिकरण सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर कार्य करते हैं, यानी कि इन पर ज्यूडिशरी का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का रहता है। इसमें ट्रिब्यूनल्स ऐसे भी हैं कि जिनके फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट को भी उसके दायरे से बाहर रखा जाता है। नौकरशाही के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, FM मार्क्स नौकरशाही को चार स्तरों में वर्गीकृत करते हैं। अभिभावक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, योग्यता मूलक नौकरशाही। ये सारे ही टॉपिक, ये कार्मिक प्रशासन का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला देख लेते हैं, अभिभावक नौकरशाही। इस प्रणाली में लोक सेवकों को न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक माना जाता है। उनका चुनाव उनकी शिक्षा के आधार पर होता है, फिर उनको सही आचरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्क्स ऐसी नौकरशाही के दो उदाहरण देते हैं, एक प्राचीन नौकरशाही जिसके काल का उदय 960 ईस्वी था तथा 17वीं और 18वीं सदी में 1640 से 1740 ईस्वी के दौरान प्रशिक्षण नौकरशाही। दूसरी है जातिगत नौकरशाही। मार्क्स के अनुसार इस प्रकार की नौकरशाही नियंत्रक स्थितियों में बैठे हुए व्यक्तियों के वर्ग के संयोजन से पैदा होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल उच्च जातियों और वर्गों के लोग ही लोक सेवक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में प्रशासनिक पदों पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नियुक्त किए जाते थे। ये आपने एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे आप में से बहुत से कैंडिडेट्स, उनको पता होगा कि एंशंट टाइम में इंडिया के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। संरक्षण नौकरशाही, इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवक में भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक पुरस्कार पर आधारित होती है। इसको पद पुरस्कार पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। संरक्षण नौकरशाही को पद पुरस्कार पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। इस परंपरा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक ये इंग्लैंड में भी प्रचलित थी। चौथी लास्ट है योग्यता मूलक नौकरशाही।
लोक सेवा का यह सबसे प्रचलित प्रकार है जिसने संरक्षण नौकरशाही का स्थान लिया है। इस प्रणाली में लोक सेवकों का चयन और नियुक्ति केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाती है। जैसे कि यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और IAS IPS की सर्विसेज के लिए उन्हें कैंडिडेट सुइटेबल कैंडिडेट्स को चुना जाता है। सरकारी नौकरियों को प्रतिभा के लिए खोल दिया जाता है। मार्क्स के शब्दों में योग्यता मूलक नौकरशाही वस्तुगत मानदंडों विशेषता प्रवेश के सिद्धांत से नियंत्रित होती है, जो लिखित परीक्षा के परिणाम द्वारा अनुप्रमाणित निर्धारित योग्यता पर आधारित होता है। अतः नियुक्त होने के पश्चात सफल प्रत्याशी किसी प्रयोजक या संरक्षक के व्यक्तिगत रूप से ऋणी नहीं होते हैं। यानी कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद, जैसे यूनियन UPSC द्वारा कैंडिडेट जब सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रहते हैं। उनकी सर्विसेज उनके रिटायरमेंट तक चलती रहती हैं। अगला है, योग्यता मूलक नौकरशाही प्रणाली के निम्न तत्व हैं। खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती। दूसरा है, पदों का आजीवन कार्यकाल अर्थात सद्व्यवहार के दौरान कार्यकाल, कि अगर उसका बिहेवियर ठीक है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, तो पूरी सर्विसेज के दौरान उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। वो अपने किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम, पद स्थिति का वर्गीकरण, वेतन और भत्तों के प्रति तार्किक उपागम, योग्यता सिद्धांत आधारित पदोन्नति अर्थात योग्यता एवं उपलब्धियां, सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। अब लोक सेवा का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, एक पद वर्गीकरण और पदक्रम वर्गीकरण। पद वर्गीकरण, जिसे पोजीशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण की इस प्रणाली को दायित्व वर्गीकरण भी कहते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें पदों का वर्गीकरण कार्यभारों, उत्तरदायित्वों तथा योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण की इस प्रणाली की सबसे निचली आधारभूत इकाई पद है, पोस्ट है। पद उन अनेक दायित्व और उत्तरदायित्व का समूह है जो किसी कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। पद और पदस्थ में अंतर किया जाता है। कोई पद किसी समय खाली या भरा हुआ हो सकता है और वर्गीकरण के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की पद स्थिति और इसका वेतन इसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। अगला है हमारा, इस प्रकार के अनेक पदों को मिलाकर एक वर्ग बनता है। ग्लेन स्टॉल के शब्दों में, वर्ग पदों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न रोजगार की प्रक्रियाओं के प्रति समान व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए अपने कार्यभार और उत्तरदायित्व में समान होते हैं। अतः वर्ग पदों का एक ऐसा समूह है जिनका कार्यभार और उत्तरदायित्व एवं कठिनाई के स्तर भी एक समान होते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के लिए योग्यता की अपेक्षाएं तथा वेतनमान भी समान होते हैं। जैसे जिस तरह ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, उनके अंदर आने वाले सभी के वेतन और उनकी क्वालिफिकेशन सब बराबर होती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी में किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन अलग होगी और किसी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन अलग होगी। ये सिर्फ टेक्निकल, अगर उनका डिपार्टमेंट चेंज होता है, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ ग्रुप बी की सर्विसेज में क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है, वरना एक समान क्वालिफिकेशन स्तर रखा जाता है। दूसरा है पदक्रम वर्गीकरण, रैंक क्लासिफिकेशन। पद वर्गीकरण के विपरीत पदक्रम वर्गीकरण पदस्थों के पदक्रम और व्यक्तिगत पदस्थिति का वर्गीकरण है। दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके पदक्रम के अनुसार श्रेणीबद्ध क्रम में किया जाता है। इस प्रणाली में वर्गीकरण कार्य का नहीं बल्कि कर्मचारियों का होता है। प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार लोक सेवा को पद के नहीं पदस्थ के आसपास संगठित किया जाता है, जो एक मोटे तौर पर परिभाषित समूह या सेवा का सदस्य होता है। ग्रुप कर्मचारी का वेतन और उसकी पदस्थिति समूह या सेवा में उसके पदक्रम पर निर्भर होती है, ना कि तैनाती पर। भारत में लोक सेवा का वर्गीकरण, भारत में पदक्रम वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे देश में पदक्रम वर्गीकरण 1930 के लोक सेवा अधिनियम द्वारा नियंत्रित है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान में ये निम्नलिखित सेवाओं में वर्गीकृत है। हमारे यहाँ कौन सा है? पदक्रम रैंक क्लासिफिकेशन है। हमारे यहाँ रैंक क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IAS केंद्रीय सेवाएं वर्ग एक समूह ए ग्रुप ए की सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज केंद्रीय सेवाएं वर्ग दो ग्रुप बी, केंद्रीय सेवाएं वर्ग तीन ग्रुप सी, केंद्रीय सर्विसेज वर्ग चार यानी कि सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप डी, और केंद्रीय सचिवालय सर्विसेज सेवाएं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज
ग्रुप 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही इसके अंतर्गत आती हैं। विशेषज्ञ सेवाएं और राज्य सेवाएं जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, जो स्टेट सर्विसेज स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उनके ग्रुप 1, ग्रुप 2 की सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आती हैं। भारत में लोक सेवाओं को राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर वर्ग 3 समूह सी और वर्ग 4 समूह डी सेवाएं अराजपत्रित वर्ग की सेवाएं हैं। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों के नाम, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के, जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके नाम, उनका नाम और उनकी नियुक्ति, उनके अपॉइंटमेंट, स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति, उनके प्रमोशन और सेवानिवृत्ति, उनके रिटायरमेंट, ये सरकारी गेजेट में, गवर्नमेंट गेजेट में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अराजपत्रित के नहीं प्रकाशित किए जाते हैं। और एक इसमें एक और अंतर है, इसके अतिरिक्त राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को अधिकारी कहा जाता है, और जबकि अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कर्मचारी कहा जाता है। ये बहुत से बच्चों को ये डिफरेंस आज पता चला होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन के जो निम्नलिखित भाग हैं, आज तो हमने कार्मिक प्रशासन का को देखा है कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है, किस तरह की सेवा हमारे यहाँ भारत में मौजूद है और किस किस तरह की सेवाएं और देशों में मौजूद हैं, सेवाओं के कितने प्रकार हैं, लोक सेवा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं डिटेल में। अगले लेक्चर से हम भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन, संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ये सारे लेक्चर्स अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।